बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम है आपका मेरे चैनल में। ये मैं आज बना रही हूँ आलू की भुजिया, बच्चों को बहुत पसंद आती है। इसमें ये मैंने आधा किलो आलू ले लिए, इसको अच्छे से काट के धो लिया है। और ये हल्दी है, ये टमाटर है, ये नमक और ये ग्रीन धनिया, ये मिर्ची, ये लाल मिर्ची, ये ज़ीरा। आज हम बनाते हैं, अभी हम शुरू करते हैं। एक कप के करीब इसमें ऑयल डाल लें, ये देखें ये थोड़ा सा गर्म हो जाए, इसमें फिर हम ज़ीरा डालेंगे। अभी हम इसमें ज़ीरा डालेंगे, ये ज़ीरा हल्का सा तड़क जाए, फिर हम इसमें आलू जो कटे हुए हैं वो डाल देंगे। ये देखिए हल्का सा ये गोल्डन हो गया ज़ीरा, अभी मैं इसमें ये आलू डाल दूँगी। ये अच्छे से जब फ्राई हो जाएंगे तो इसमें थोड़ा दो जो टमाटर कटे हुए वो डाल दूँगी, वो सारे मसाले डाल देंगे। फिर इसको 10 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी, ये मसाला से तैयार हो जाएगा। देखिए इतने प्यारे से हो गए ना, गोल्डन से आलू फ्रेश फ्रेश इसमें डालेंगे। टमाटर कटे हुए, बिस्मिल्लाह, ये दो टमाटर कटे हुए दरमियाने से, ये नमक है, इसमें जायका, ये आधी चम्मच हल्दी है, ये 2 चम्मच रेड चिली है, ये 5 से 6 दाने ग्रीन मिर्ची है। अभी मैं इसको 10 मिनट तवे के ऊपर दम पे रख लूँगी। ये 10 मिनट के बाद बहुत खूबसूरत सा तैयार हो जाते हैं। इसमें थोड़ी सा हरा धनिया डाल देंगे काट के, और बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद है, सुबह नाश्ते में भी आप बना के बच्चों को दे सकते हैं। ये देखें ये ज़ीरे वाले आलू तैयार हो गए हैं, साथ दही की चटनी है, ये चपाती के साथ, नान के साथ, अगर चावलों के साथ भी आप खाना चाहें, नाश्ते में पराठे के साथ तो बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। ये बहुत आसान रेसिपी है, अपने बच्चों के लिए बनाए। इंशाल्लाह आगे कोई अच्छी रेसिपी आए फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।